झांसी की रानी कविता का अगला भाग 13। इनकी गाथा छोड़ चले हम झांसी के मैदानों में, जहां खड़ी है लक्ष्मीबाई मर्द बनी मर्दानों में। लेफ्टिनेंट वॉकर आ पहुंचा, आगे बढ़ा जवानों में, रानी ने तलवार खींच ली, हुआ द्वंद्व आसमानों में। जख्मी होकर वॉकर भागा, उसे अजब हैरानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। प्रसंग इस तरह से है, इस कविता में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के बचपन से लेकर उनके बलिदान का सुंदर वर्णन किया है। इस भाग का सरलार्थ इस तरह से है, हमें तो अन्य प्रदेशों की बातें छोड़कर झांसी के मैदानों का दृश्य देखना है, जहां लक्ष्मीबाई पुरुषों की भांति वीरों का वेश धारण कर लड़ी थी। अंग्रेजों की ओर से लेफ्टिनेंट वॉकर ने झांसी पर हमला किया, रानी ने भी उसका विरोध करने के लिए तलवार खींच ली, अर्थात युद्ध की घोषणा कर दी। दोनों में भीषण युद्ध हुआ, धूल से आकाश ढक गया, अंग्रेज सेनापति घायल होकर भाग गया। उसे रानी की वीरता देखकर बहुत आश्चर्य हुआ। कवयित्री कहती है कि हमने बुंदेलखंड के गवैयों के मुंह से यह कहानी सुनी थी कि झांसी की रानी ने खूब डटकर युद्ध किया। इस भाग का भाव है, रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी पर हमला करने वाले अंग्रेज लेफ्टिनेंट वॉकर को युद्ध में घायल किया और उनकी वीरता व साहस देखकर अंग्रेज भी हैरान थे। इस कविता का अगला भाग हम आगे पढ़ेंगे। धन्यवाद।